हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम चैप्टर 10th कंटिन्यू कर रहे हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, कल हमने माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में हमने देखा था कि इंडस्ट्रीज में कैसे जो है वो माइक्रोब्स प्रोडक्शन के लिए हेल्प करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था एंटीबायोटिक्स, आज उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। तो यूजेस ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स के क्या क्या यूजेस हैं वो देखते हैं। डॉक्टर प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। मेनली डॉक्टर्स एंटीबायोटिक्स किसके लिए प्रिस्क्राइब करते हैं? बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए। इट इज नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट वायरसेस, ये जो है एंटीबायोटिक्स वायरसेस के अगेंस्ट इफेक्टिव नहीं होती। नो वेदर एन इन्फेक्शन इज बैक्टीरियल और वायरल, हेल्प टू इफेक्टिव ट्रीट इट। वैसे होना तो चाहिए कि बैक्टीरिया हो चाहे वायरस, इसको इफेक्टिवली ट्रीट करना चाहिए। वायरसेस कॉज मोस्ट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मोस्टली जो वायरसेस हैं वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन ज्यादा करते हैं, सच इज कॉमन कोल्ड एंड फ्लू। एंटीबायोटिक डू नॉट वर्क अगेंस्ट दीज वायरसेस, एंटीबायोटिक्स जो होती है वो इन वायरसेस के अगेंस्ट जो है वो वर्क नहीं करती। इफ पीपल ओवर यूज एंटीबायोटिक्स और यूज देम इनकरेक्टली द बैक्टीरिया माइट बिकम रेजिस्टेंट। अगर पीपल जो है वो एंटीबायोटिक्स का बहुत ज़्यादा यूज कर लेते हैं, यानी बहुत ज़्यादा जो लोग दवाइयाँ लेते हैं हर छोटी छोटी चीज़ों में, तो बैक्टीरियाज क्या हो जाते हैं? रेजिस्टेंट हो जाते हैं। और फिर दिस मीन्स दैट द एंटीबायोटिक्स बिकम्स लेस इफेक्टिव अगेंस्ट दैट टाइप ऑफ बैक्टीरियम। इसका क्या मतलब है कि जो एंटीबायोटिक है वो उस टाइप के बैक्टीरिया के लिए क्या हो जाएगी? लेस इफेक्टिव। एज द बैक्टीरियम हैज बीन एबल टू इम्प्रूव इट्स डिफेंसेज, क्योंकि बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स खाने से उस बैक्टीरिया ने अपना डिफेंस सिस्टम को इम्प्रूव कर लिया है, और फिर हम जो एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं वो उस पर असर या उसके लिए इफेक्टिव नहीं है। अ डॉक्टर कैन प्रिस्क्राइब ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक टू ट्रीट अ वाइड रेंज ऑफ इन्फेक्शन। वो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक को प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर्स अगर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो, और नैरो स्पेक्ट्रम के एंटीबायोटिक ओनली इफेक्टिव अगेंस्ट अ फ्यू टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, क्योंकि नैरो स्पेक्ट्रम की जो एंटीबायोटिक होती है वो बहुत ही कम बैक्टीरियाज के लिए क्या होती है? यूजफुल। सम एंटीबायोटिक्स अटैक एरोबिक बैक्टीरिया वाइल अदर वर्क अगेंस्ट एनएरोबिक बैक्टीरिया। बैक्टीरियाज भी कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के। तो कुछ जो एंटीबायोटिक्स है वो तो एरोबिक बैक्टीरिया के लिए होती है, और कुछ जो एंटीबायोटिक्स है वो एनएरोबिक बैक्टीरिया के लिए होती है। एरोबिक बैक्टीरिया नीड ऑक्सीजन, एनएरोबिक बैक्टीरिया डू नॉट। यानी एरोबिक बैक्टीरिया की कैटेगरी में वो बैक्टीरियाज आएंगे जिन्हें सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, और एनएरोबिक बैक्टीरिया में वो बैक्टीरिया आएंगे जिन्हें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है। In some cases, a healthcare professional may provide antibiotics to prevent rather than treat an infection, as might be case before surgery. Normally, जो doctors हैं वो कुछ cases में जो antibiotics है उनका use किसी surgery के पहले भी patients को देकर करते हैं, ना कि सिर्फ bacterial infection को treat करने के लिए। This is the प्रोफाइलेक्टिक यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। इसे क्या क्या कहा जाता है? प्रोफाइलेक्टिक यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। पीपल कॉमनली यूज दिस एंटीबायोटिक्स बिफोर बावल एंड ऑर्थोपेडिक सर्जरी। इस टाइप की सर्जरी के लिए भी इस एंटीबायोटिक्स का यूज होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एंजाइम्स। एंजाइम अ सब्सटेंस दैट एक्ट एज अ कैटलिस्ट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म रेगुलेटिंग द रेट एट विच केमिकल रिएक्शन प्रोसीड विदाउट इट्सेल्फ बीइंग अल्टर्ड इन द प्रोसेस। एंजाइम क्या होते हैं? वो सब्सटेंस होते हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं या उसकी रिएक्शन की जो रेट है उसे बढ़ा देते हैं। विदाउट इटसेल्फ अल्टर्ड का मीनिंग होता है कि खुद में कोई चेंज नहीं होता, लेकिन जो केमिकल रिएक्शन से उनकी रेट बढ़ जाती है। द मॉलिक्यूल्स अपॉन विच एंजाइम्स मे एक्ट आर कॉल्ड सब्सट्रेट्स। वो मॉलिक्यूल जिन पर एंजाइम्स वर्क करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? सब्सट्रेट्स। The enzyme convert the substrates into different molecules known as products. Enzyme क्या करते हैं? Substrates पर work करते हैं और उन्हें किस में convert कर देते हैं? Products में, और खुद as it is release हो जाते हैं। Almost all metabolic processes in the cell need enzyme. जितने भी metabolic processes होते हैं हमारी body के, उन्हें सबको क्या चाहिए? Enzymes।
कैटालाइसिस इन ऑर्डर टू अकर एट रेट फास्ट इनफ टू सस्टेन लाइफ, पूरी हमारे लाइफ को सस्टेनेबल करने के लिए जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है सबको केमिकल रिएक्शंस को कंप्लीट करवाने के लिए किसकी नीड होती है, एंजाइम्स की। देयर आर सिक्स प्रिंसिपल कैटेगरीज ऑफ देयर रिएक्शंस, जो एंजाइम्स होते हैं उनको सिक्स पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है ऑक्सीडो रिडक्टेज विच आर इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ऑक्सीडो रिडक्टेज जैसा कि नेम से पता पड़ रहा है ये वो एंजाइम जो क्या करेंगे, रिडक्शन करवाएंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जो कि मेनली किस टाइप की रिएक्शंस में यूज होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जिनमें होता है। ट्रांसफरेज विच ट्रांसफर अ केमिकल ग्रुप फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर। ट्रांसफरेज एंजाइम ऐसी रिएक्शन में यूज होता है जहां पे कोई एक केमिकल ग्रुप किसी दूसरे सब्सटेंस से जाकर के अटैच हो जाता है, यानी एक सब्सटेंस पे अटैच रहता है फिर उससे ब्रेक होकर के दूसरे सब्सटेंस पे जाकर अटैच हो जाता है यानी ट्रांसफर हो जाता है। तो उस टाइम पे कौन सा एंजाइम वर्क करता है, ट्रांसफरेज। हाइड्रोलाइजेस वो एंजाइम जो वाटर को हाइड्रोलाइज करेंगे या वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक करेंगे, विच क्लीव द सबस्ट्रेट बाय अपटेक ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोलाइसिस, यानी वाटर के थ्रू क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे किसी भी मॉलिक्यूल का वाटर उनमें एड अप करके। वाटर को तो ब्रेक करेंगे और सबस्ट्रेट में वाटर को ऐड करेंगे, इसे कहा जाता है हाइड्रोलाइसिस, यानी वाटर के थ्रू किसी भी मॉलिक्यूल को ब्रेक करना। लाइजेज विच फॉर्म डबल बॉन्ड्स बाय एडिंग और रिमूविंग अ केमिकल ग्रुप। लाइजेज ऐसे एंजाइम्स हैं जो क्या करते हैं, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं किसी भी केमिकल ग्रुप को ऐड करके या फिर रिमूव करके। आइसोमरेज विच ट्रांसफर अ ग्रुप विद इन अ मॉलिक्यूल टू फॉर्म एन आइसोमर। आइसोमरेजेज ऐसे एंजाइम्स हैं जो क्या करते हैं कि ट्रांसफर करते हैं किसी ग्रुप को सेम ही मॉलिक्यूल में, नया कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, रिमूव नहीं करेंगे, किसी ग्रुप को एक प्लेस से हटा करके दूसरे प्लेस पे लगाएंगे और उसका क्या बन जाएगा, आइसोमर। लाइगेजेस और सिंथेटेजेस विच कपल्स द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस केमिकल बॉन्ड्स टू ब्रेक डाउन ऑफ अ पायरोफॉस्फेट बॉन्ड इन एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और अ सिमिलर न्यूक्लियोटाइड। लाइगेजेस क्या करते हैं, अपन ने आप लोगों को जब मैंने क्या पढ़ाया था रेप्लिकेशन, उसमें मैंने बताया था लाइगेज लास्ट में सील करने का वर्क करता है। जब हमने रेप्लिकेशन पढ़ा था तो मैंने बताया था कि जब आरएनए प्राइमर रिमूव हो जाते हैं तो लाइगेज एंजाइम क्या करता है, आकर के जो डीएनए है उसे सील कर देता है लास्ट में, किसमें, लैगिंग स्ट्रैंड के सिंथेसिस में। तो ये लाइगेजेस एंजाइम वही है। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, यानी जो एंजाइम्स है वो किस टाइप से वर्क करते हैं, तो देखते हैं अपन। अ सबस्ट्रेट बाइंड्स टू द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम। एक सबस्ट्रेट क्या करता है, एंजाइम की एक्टिव साइट से बाइंड होता है एंड इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, और बाइंड होकर के किसमें कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट में। वंस द प्रोडक्ट लीव द एक्टिव साइट, उसके बाद जैसे ही प्रोडक्ट बनता है प्रोडक्ट क्या करता है, एक्टिव साइट को छोड़ देता है, लीव कर देता है। द एंजाइम इज रेडी टू अटैच अ न्यू सबस्ट्रेट एंड रिपीट द प्रोसेस, यानी कोई एक कंपाउंड है जिसे हम एंजाइम कह रहे हैं, उससे एक सब्सट्रेट आके अटैच होता है, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, वापस रिलीज हो जाता है, फिर वो प्रोसेस रिपीट होता है, दूसरा सब्सट्रेट आकर के अटैच होता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है और डिटैच होकर के निकल जाता है। ऐसे ही सब्सट्रेट जो है एक एंजाइम वापस से रिएक्शन में यूज हो जाते हैं क्योंकि वो कंज्यूम नहीं होते, एज इट इज ही रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद रिलीज हो जाते हैं। ये एंजाइम एक्शन दिखा रखा है इसमें, जैसे कि एक एंजाइम है। अब ये एंजाइम की एक्टिव साइट है जहां पे कोई सब्सट्रेट आकर के अटैच होगा, तो ये सब्सट्रेट है हमारे, सब्सट्रेट आकर के दोनों अटैच हुए, क्योंकि हम देखते हैं ना रिएक्शंस में दो केमिकल, मतलब रिएक्शंस जो होती है उनके अंदर दो जो है वो रिएक्टेंट्स होते हैं, तो मान लो कि ये रिएक्टेंट्स है क्योंकि हम रिएक्शंस की बात कर रहे हैं। तो यहां पे इन्होंने एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाया। अब ये जो एंजाइम्स, ये जो एंजाइम है इन सब्सट्रेट को किसमें कन्वर्ट करेगा, प्रोडक्ट में। तो ये प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट रिलीज हो गया और एंजाइम भी रिलीज हो गया एज इट इज। अब वापस से इनमें कोई नए सब्सट्रेट आकर के अटैच होंगे और उसके बाद वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होकर के रिलीज हो जाएंगे, फिर ऐसे ही ये प्रोसेस जो है वो रिपीट होता रहेगा। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक एक्टिव साइट पे एक शेप बना हुआ है और वही शेप एंजाइम जो सब्सट्रेट है उनमें भी प्रेजेंट है, तो स्पेसिफिक सब्सट्रेट्स के लिए स्पेसिफिक एंजाइम्स प्रेजेंट है। जो एंजाइम्स होते हैं वो लॉक एंड की थ्योरी बेस्ड होते हैं। लॉक एंड की का मतलब जैसे कि एक स्पेसिफिक लॉक के लिए एक स्पेसिफिक की होती है, वैसे ही किसी एक स्पेसिफिक सब्सट्रेट पर वर्क करने के लिए एक स्पेसिफिक जो एंजाइम है वो
होता है जो उसकी रेट ऑफ रिएक्शंस को बढ़ा देता है। तो इस टाइप से एंजाइम जो है वो वर्क करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्गेनिक एसिड्स। सम माइक्रोब्स हैव एबिलिटी टू कन्वर्ट कार्बोहाइड्रेट इनटू ऑर्गेनिक एसिड। कुछ माइक्रोब्स में ये एबिलिटी होती है कि वो कार्बोहाइड्रेट्स को इन ऑर्गेनिक एसिड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे कि क्लॉस्ट्रीडियम। क्लॉस्ट्रीडियम जो माइक्रोब है वो क्या बनाता है, एसिटिक एसिड और ब्यूटायरिक एसिड। लैक्टोबैसिलस और स्ट्रेप्टोकोकस क्या बनाता है, लैक्टिक एसिड। एसिटोबैक्टर क्या बनाता है, एसिटिक एसिड। जैसे कि लैक्टोबैसिलस का आप कर्ड का एग्जाम्पल देख रहे हैं, मिल्क में प्रेजेंट होता है, और क्या बनाता है लैक्टोबैसिलस, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है। कौन सा एसिड, लैक्टिक एसिड। बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोब्स आर, कुछ बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स भी माइक्रोब्स के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि क्लोस्पोरिन ए प्रोड्यूस बाय ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ये ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम जो फंजाई है, ये जो फंगस है, उसके थ्रू ये क्लोस्पोरिन ए जो है वो फॉर्म होता है। इट इज़ यूज्ड एज इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट। इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट यानी इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है, वर्क कम करने देता है, जबकि ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है किसी पेशेंट में, तो ये वो है साइक्लोस्पोरिन ए। स्टेटिन्स प्रोड्यूस बाय मोनास्कस परप्यूरिस, ये ईस्ट है मोनास्कस परप्यूरिस, इसके थ्रू स्टेटिन्स प्रोड्यूस होते हैं। इट इज़ यूज्ड एज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए यूज होता है। इट एक्ट एज कम्पिटिटिवली इनहिबिटिंग द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। ये क्या करता है, वो एंजाइम जो कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस करता है उसे इनहिबिट कर देता है, उसे कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन नहीं करने देता। कौन, स्टेटिन्स। और प्रोड्यूस किससे होता है, मोनास्कस प्रीप्यूरस, ये एक ईस्ट है जिसके थ्रू ये स्टेटिन्स बनते हैं। आज के लिए इतना है, बाकी हम पढ़ेंगे कल।